वेलकम टू आवर चैनल डिंग डोंगर्स। मैं अवनी, मैं जानवी, मैं शिवानी, मैं पूजा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि हमारे सामने 4 डिफरेंट डिशेस रखी हुई है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे वेज स्टीम मोमोज और इनकी शेप कितनी परफेक्ट, एकदम परफेक्टली गोल है। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये है हमारा पिज्जा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे गोलगप्पे, खट्टा एंड मीठा पानी और ये डिलीशियस सा बर्गर। इस बर्गर का साइज देखो और इसकी ड्रेसिंग देखो कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है, एकदम यमी सी। तो गाइस वापस आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन बात यह है कि ये चैलेंज हम आज नॉर्मली नहीं करने वाले। देयर इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड दैट इज। लेकिन पहले तो मैं बता देती हूँ मेरी और पूजा की टीम है, और गाइस आज है मेरी और शिवानी की टीम, तो जो भी होगा वो हम जीतने वाले हैं ऑब्वियसली। तो उसके बाद ये खाने के साथ आप देखो यहाँ पे बीच में रखी हुई हैं 2 पर्चियाँ। इन 2 पर्चियों में एक पर्ची में मेरा और पूजा का नाम लिखा है, एक पर्ची में जानवी और शिवानी का नाम लिखा है। तो आज मैं बताती हूँ हमारा चैलेंज ये है। हमारे साथ होंगे 4 राउंड्स। तो 4 राउंड्स में कुछ इस तरह होगा कि राउंड 1 में हमको कुछ भी मिल सकता है, गोलगप्पे, पिज्जा, मोमोज, बर्गर। और राउंड 1 कौन सी टीम करेगी ये डिसाइड करेंगे हमारे भैया। मतलब बेसिकली हम ऐसे शफल करके ये चिट्स यहाँ पे डाल देंगे एंड भैया विल पिक कोई भी एक चिट। उसके बाद जिस चिट को पिक करेंगे वो जाएगी राउंड 1 में। तो जो टीम फर्स्ट राउंड में जाएगी उसको मिलेंगी 2 चिट्स। उन 2 चिट्स में इन 4ों में से कोई भी एक फूड आइटम होगा एंड वो चिट में 2 डिफरेंट टास्क होंगे रिलेटेड टू 1 फूड आइटम। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आए गोलगप्पे, तो उसमें आया कि हमको 10 सेकंड्स में 8 गोलगप्पे खाने हैं या फिर 10 सेकंड्स में 5 गोलगप्पे खाने हैं। तो ऐसे टास्क मिलेगा, उस टास्क को अगर वो फुलफिल कर देंगे तो उस टीम को मिल जाएगा 1 पॉइंट। उसके बाद राउंड 2 में जाएगी अल्टरनेटिव टीम एंड सेम विल बी अप्लाइड। बट जो फर्स्ट टीम फूड आइटम कर चुकी होगी उसको एक्सक्लूड करके बाकी के 3 आइटम हम इंक्लूड करेंगे। तो गाइस हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने बहुत पका लिया, बहुत बोल दिया। बट चैलेंज इतना डिफिकल्ट, इतना कंफ्यूजिंग है, तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके, तो गाइस वी होप कि आपको हमारे इतना कंफ्यूजिंग और घुमावदार चैलेंज पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो हम स्टार्ट करें अपना चैलेंज। ओके, अब हम इसे जल्दी से शफल कर देते हैं। और हाँ गाइस, जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो दूसरे वाली टीम को देगा पनिशमेंट, जो कि मैंडेटरी है। लेकिन वो पनिशमेंट किसको मिलेगी वो तो हमें चैलेंज के बाद ही पता चलेगा। ये मैंने डाल दिया है एंड नाउ भैया विल पिक पिछवाली। मैं तुम्हारी में ही हूँ तो गाइस फर्स्ट राउंड में जाएंगे हमारी जानवी एंड शिवानी। और फर्स्ट राउंड के लिए हम पहले चिट्स निकाल लेते हैं। तो गाइस ये रही हमारी 2 चिट्स एंड फूड है गोलगप्पे। तो इनमें क्या आता है अंदर ये तो इनको पता चलेगा जब ये पिक करेंगे। ओके, देखो ये हमारी कैपेसिटी भी चेक होगी, प्लस इसमें खेल है लक का, यू नो लक मैटर्स, लक ये और कैपेसिटी ये। ओके, तो मैं शफल करके डालूंगी, तुम दोनों में से कोई भी एक पिक कर लेना। ओके, शिवानी कर लेगी ये, बहुत ही प्यार से करेगी माय शिवानी। क्या था? कितने 10 सेकंड्स है ना? ना टाइम है, ये शिवानी के 5 गोलगप्पे। आर यू रेडी? पानी, अरे है पानी। रेडी शिवानी? यस। 3, 2, 1, गो। ये शिवानी, ये अरे दैया में बेसिकली उसने खा लिए थे सारे, टूस लिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैलेंज में हमको सिर्फ टूसना है, खाना नहीं है, क्योंकि सेकंड्स का चैलेंज है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी शिवानी ने बहुत ही मतलब यू नो उम्दा परफॉर्मेंस दी। तो गाइस फर्स्ट राउंड का पॉइंट चला जाता है हमारी शिवानी जानवी के पास। यस, 1 राउंड, वेल डन शिवानी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक्स। सो अब आ रही हमारे सेकंड राउंड की, जो कि करेंगे अवनी और पूजा, और उसमें आया हमारे सामने ये पिज्जा। तो अब देखते हैं कि कैपेसिटी जीतती है या फिर लक। ओह गुडनेस, दोनों जीत जाएं। चलो 3, 2, 1 गो। 1 पिज्जा देखो किस्मत तो निकली खराब। 5 सही। तो गाइस 1 पिज्जा स्लाइस इन 5 सेकंड्स। तो गाइस हमने एक पिज्जा स्लाइस ले लिया है, नियर टाइमर मेरे दिल में धक धक। 5 सेकंड। यस, यू कैन डू इट। 2, 1, गो। गया, बंद कर दो। 4 सेकंड, वो तो 2 सेकंड में चला गया। प्याज रहेगा तो।
why? 1-1 points. So guys, अब हम आ गए हमारे थर्ड राउंड में. थर्ड राउंड में ऑफ कोर्स आई है हमारी जानवी और शिवानी, और ये रखे हैं सामने मोमोज. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो रहे हैं ये शफल चिप्स. ये मोमोज की दो चिप्स हैं. गर्ल्स चूज. Eat 6 momos in 15 seconds. Okay. You can do it. Yes. I'll try. So guys, आप देख सकते हो ये जानवी मोमो रेडी और मैं टाइमर रेडी. रेडी? Yeah. 15 seconds, 6 momos. Yes. दो और दो तुम्हारे हाथ में है ही. ठीक है? Count ले लेंगे. हाँ. 3, 2, 1, go. बस इसी में नाचूंगी मैं अभी. आई नो दस 11 12 13 14 15 हो गया. काना नहीं था, सिर्फ टूटना था. नहीं, वो इसकी फीलिंग्स ना बहुत ज्यादा हैं, दिख रहे हैं. तो गाइस, थर्ड राउंड में जानवी और शिवानी हार चुकी है, मतलब अभी हम 1-1 पर ही चल रहे हैं. तो देखते हैं हमारे पास फोर्थ राउंड जीतने का मौका है या नहीं. वैसे तो चांसेस बड़े कम है, क्योंकि आप देख सकते हो डिश इज बर्गर. बर्गर को टूसने के लिए भी बर्गर जितना बड़ा मुंह चाहिए. ओके ओके, तो ये लो, उठाओ. अकड़ वकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा छोड़ निकल के भागा गा गा गा. ये वाली डाउन ये उठाया ये ये. कम से कम 30 तो मिले. Eat one burger in 30 seconds. इसमें कितने थे? 15. Just hard. Pooja, you can do it. I am definitely proud of you. Okay? अभी से proud of. सिर्फ ठूसना है. चलो. Ready? Pooja, ready? Ready. 3, 2, 1, go. Yes, Pooja, you can do it. अभी से 5 seconds हुए हैं. ठूस तो लेगी वो, ऊपर जाएगा कहाँ? Pooja कह रहा हूँ, Pooja कह रहा हूँ 15 हो गए. दूसरा बंद तो ठूसो. 15. हम लोग देख सकते हो मनोल वरम बेसिकली ड्रॉ हो गया, और अब चारों की लगेगी, मतलब चारों करेंगे पनिशमेंट. तो गाइस, मेरे और पूजा की टीम भी हार गई थी, जानवी और शिवानी की टीम भी हार गई थी. तो अब हम पनिशमेंट करेंगे चारों मिलके. अब पनिशमेंट इतनी तगड़ी है ना, बाय गॉड हमारी टीम ने क्या पनिशमेंट निकाल के दी है. हमने तो वैसे सोचा था कि हम दो मिलके इन दो को पनिशमेंट देंगे, और ये तो हमें दे देंगे बड़ी इजी सी, एकदम यू नो लाचारों की तरह. बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ. हमारी टीम ने हमको एक बहुत ही बड़े पनिशमेंट दिया. चलो गाइस, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं. वैसे तो दर्द पहले ही होना शुरू हो जाएगा. देखो, हम चारों ऐसे सर्कल में खड़े हो जाएंगे, एंड हमको कंटिन्यूसली एक दूसरे में चाटे एक दूसरे में चाटे बजाते रहने. जैसे मैं इसको बजाऊंगी, ये इसको, ये इसको, ये मेरे को वापस, एंड ये चाटे कंटिन्यूसली चलते रहने चाहिए. और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे फेस पे एक एक्सप्रेशन वो है हंसी का, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. बेसिकली मैं चाटा मारूंगी हमको ऐसे ही हंसते रहना और चाटे खाते रहने हैं. और उसके बाद जैसे हम सब हंस रहे हैं, और हंसते हंसते कोई भी एक रुक जाता है, या हम तीनों में से कोई भी उस एक को ऑब्जर्व कर लेता है, वैसे हम रैंडमली ऐसे उसमें चाटा मार सकते हैं. मतलब चाहे हमारी बारी हो या ना हो, तब भी चाटा मार सकते हैं, और हम तीनों भी मार सकते हैं घर के जब तक वो हंस ना जाए. हाँ, बेसिकली ये गेम कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए. हमें हंसते रहना है चाहे कुछ भी हो जाए. तो गाइस, देखियो, हमें हंसते रहना.
है।